बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब दिल्ली की तर्ज पर निशुल्क बिजली देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहां की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है, महंगे बिल भेजकर आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार जो है हर 6 महीने से 10 महीने बिजली महंगी हो जाती है और आजकल ये बिजली के बिल में भी काफ़ी शिकायत आ रही है कि महीने में 12 बिल आने चाहिए, 14 बिल आ रहे हैं। 14 बिल आने के चलते क्या है, जो ये हर महीने फिक्स चार्ज लेते हैं तो आदमी को 12 महीने की जगह 14 महीने का फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। एक एडिशनल सिक्योरिटी भी ये बिल में जुड़ के आ रही है। यदि एडिशनल सिक्योरिटी, यदि कोई, पहली बात तो जिनके पुराने कनेक्शन है उसमें एडिशनल सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, और यदि लेनी है तो आप सेपरेट लें एडिशनल सिक्योरिटी, उसकी अलग से सेपरेट रसीद दें ताकि कल को आदमी कनेक्शन कटवाए तो अपनी सिक्योरिटी तो वापस ले ले। इस तरीके से कई सारी अनियमितताएँ हैं और लगातार जो है, पहले आपने देखा होगा कि बिजली जो है 80% बिजली की चोरी हुआ करती थी, रोज़ शिकायतें आती थी चोरी हो रही है चोरी, उस पर भी काफ़ी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कर लिया है। पहले लोग अपने घरों में 100-100 वाट के बल्ब जलाया करते थे, अब अपने घर में लोग 5 से 10 वाट का LED बल्ब जला रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी बिजली की चोरी भी रुक गई। लोगों ने अपने घर में LED बल्ब भी लगा दिए 5 से 10 वाट के, लेकिन उसके पश्चात भी लोगों के घरों के बिजली के बिल कम नहीं हो रहे, 1.5 गुने 2 गुने बिजली के बिल आ रहे हैं। सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसमें कहती है कि यदि उसकी मासिक आय 6 मंथली इनकम 6,000 रुपये है तो सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। अरे जो 6,000 रुपये महीना कमा रहा है वो कैसे इतने महंगे बिजली के बिल दे देगा? लोग अपने बच्चों की शिक्षा को देखे, स्वास्थ्य को देखे, बिजली के बिल को जमा करें। तो इसी के लेके आज आम आदमी पार्टी ने जो है हल्ला बोला है और लगातार, मतलब इतने सारी अनियमितता, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमने लगातार 4 ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और शीघ्र ही इस पर मुख्यमंत्री जी जो है जनता के हित में निर्णय लें, नहीं तो हम इसको जो है प्रत्येक वार्ड में एक आंदोलन के रूप में चलाएंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।